राबड़ी आवास के बाहर है। यहाँ पे राबड़ी आवास पे अभी सीबीआई की छापेमारी जारी है और यहाँ पे राजद के महिला कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ छापेमारी चल रही है, आपको कैसे? छापेमारी चल रही है केंद्र सरकार की और नीतीश कुमार की जी की जो साजिश है वो नाकाम साजिश जो रच रहे हैं, उनको कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। पहले भी वो किए थे, आज देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी भी नहीं है, जब तेजस्वी यादव प्रसाद यादव जी भी नहीं है, तब ये साजिश की जा रही है। तो इनकी नाकाम साजिश से केंद्र सरकार की तो शुरू से रही है कि जो भी मजबूत प्रतिपक्ष रहा है, मजबूत नेता विपक्ष में रहा है, उनको किसी न किसी से परेशान करना है और ये परेशानी से हम लोग और मजबूती के साथ खड़े होंगे। और जिस तरह सरकार क्यों परेशान, क्योंकि उनको परेशान करने में मजा आता है ना, क्योंकि सामने वाले को चाहते हैं कि किसी तरह से दबा कर रखे, उनका मनोबल कम कर दें, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल कम हो जाए। लेकिन हमारी राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता, उनका मनोबल कम नहीं होने वाला, उनका मनोबल ये करने से और भी बढ़ेगा, इससे हम और भी मजबूत होंगे। अब बिहार की जनता देख रही है कि किस तरह से साजिश के तहत इन्हें परेशान किया जा रहा है। जिस तरीके से राजद के कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सीबीआई की छापेमारी सीबीआई की छापेमारी बंद हो या नहीं हो, उससे हम लोग का मतलब नहीं है। वो जो अंदर कर, उनको कोई फायदा भी नहीं होना है, कुछ मिलना तो है नहीं। पुराने चिट्ठे खोल करके किसी को परेशान करने की जो बात है, केंद्र सरकार जो है अपने गिरिवान में झांक करके देखे कि उनके अंदर क्या क्या है सो। और मैं कह रही हूँ कि ये नाकाम कोशिश जो है हमें तोड़ने की, हमें अलग करने की, हमारा मनोबल करने कम करने के, तो इस घटना के बाद और भी हमारा मनोबल ज़्यादा बढ़ेगा और बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता हमारे साथ है और आगे और भी बढ़ेगा लोग। अब यहाँ पे मैं राजद की महिला कार्यकर्ता से बात करती हूँ, ये छापेमारी जो चल रही है, आप इस पे क्या? देखिए, ये सब बकवास है, ये सब ना साजिश की जा रही है। साजिश इसलिए की जा रही है कि वो जो गठन बना रहे हैं ए टू जेड की, कहीं ना कहीं उन लोगों को इस बात का डर है कि जो ए टू जेड की जो पार्टी बन रही है, तो उन लोगों का जो अब यहाँ पे जो चलता आ रहा है ना, वो सब अब चलेगा नहीं, दाल गलेगा नहीं। तो इस वजह से उन लोग साजिश बना रहे हैं और इन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है, सब इन लोगों का बकवास है। तो आप लोग यहाँ पे आए हैं कि आप लोग के आने से क्या, आप लोग क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों को आने से कम में हमारे नेता, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष को इस बात का तो लगा कि हमारी जनता हमारे साथ है, हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ है और कदम से कदम मिला करके हम लोग चल रहे हैं। उनको हिम्मत तो मिलेगा ना, कहीं कभी किसी को कुछ हो जाता है पड़ोसी में भी, तो पड़ोसी के लोग आते हैं तो एक पड़ोसी को ताकत मिल जाती है, तो हम तो उनके साथ खड़े हैं। आप कार्यकर्ता यहाँ पे धरना दे रहे हैं, धरना देने से क्या सीबीआई की छापेमारी बंद हो जाएगी? देखिए, कहीं ना कहीं सीबीआई को भी तो डर रहेगा ना, सीबीआई भी तो डरेंगे कि बहुत सारे लोग बाहर हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता बाहर हैं, तो हम ऐसा कोई काम ना करें, ऐसा कोई हरकत ना करें जो हम पे हावी हो जाए। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे, ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए, तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।